कैसे हो यार आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे करोगे। क्या गाइस, आज की वीडियो में भाई टॉप जो कि बाकी के 4 फीचर्स बचे उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और कल की वीडियो में भाई 6 फीचर्स के बारे में बात कर लेते। अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो फिर गाइस आप लोग जाकर कल की वीडियो देख सकते हो। बाकी गाइस आज की वीडियो में जल्दी से जल्दी शुरू करता हूँ और बहुत ही छोटी वीडियो बनूंगा आज की भी, तो फिर वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बाकी लेट्स गो, बाकी मैं सीधा वीडियो के अंदर मिलता हूँ, तो फिर मैं सारे फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। सो लेट्स गो, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो फिर गाइस पहला फीचर हमारा निकल जाता है इमरजेंसी पिकअप, ठीक है। और गाइस इसके बारे में शायद आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन गाइस ये वाला भाई 1.7 के अपडेट में आने वाला था, लेकिन कुछ डिले हो गया, पता नहीं क्या था। लेकिन गाइस इसमें अगर आपको इसमें एडवांटेज क्या है आपको भाई, ये पहले लूटेबल आइटम रहेगी, आपको स्पॉन होगी और आपको लेनी है, बैकपैक में रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि गाइस अगर आप लोग जोन के बाहर फंस जाते हो और व्हीकल वगैरह नहीं है, तो फिर ऐसा आप लोग को भाई एक प्लेन आएगा, आपको उठा कर लेकर जाएगा, इमरजेंसी मतलब कि उठा कर लेकर जाएगा, और उसके बाद में आप लोग जहाँ पर उतरना चाहते हो उधर अनहुक करके उतर सकते हो, वरना फिर आप लोग भाई एंड में जाते ही अपने आप कूद जाओगे, ठीक है। और दूसरा हमारा नेक्स्ट फीचर निकल के आता है भाई मेट्रो रॉयल 2.0, और भाई इसके बारे में किसको नहीं मालूम, मतलब कि मेट्रो रॉयल 2.0 आने वाले। और भाई इस मेट्रो रॉयल वाले फैंस के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेट्रो रॉयल 2.0 आने वाला है, वो भी हमारे BGMI के अंदर। तो वैस रेडी रहना मेट्रो रॉयल के फैंस, बिल्कुल रेडी रहना। उसके अंदर बहुत सारे नई गन्स और बहुत सारे चीज़ें भी ऐड होने वाली है, और उसके साथ भाई एक नया मैप ऐड होने वाला है मेट्रो रॉयल के अंदर, और भाई वो पूरा एडवांस रहेगा, रीमास्टर्ड होके आएगा मेट्रो रॉयल का मैप, ठीक है। बाकी गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से बताना कि भाई मेट्रो रॉयल के कौन कौन फैंस है, ठीक है। बाकी गाइस ये वीडियो भाई 5 या 6 मिनट से ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी, और मैं हर एक वीडियो में कोशिश करता हूँ भाई छोटी से छोटी वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। बाकी गाइस आपको वीडियो कैसे लगती है मेरे को बताना ज़रूर। बाकी गाइस ब्रिज रीमास्टर्ड, और इसका एक लुक आपको भाई पबजी न्यू स्टेट में दिख गया होगा कि भाई ऐसा कुछ आपको पबजी न्यू स्टेट में जैसा ब्रिज दिख रहा है ना, वैसे ही आपको ब्रिज देखने को मिल जाएगा। आप लोग जाकर विजिट कर सकते हो उस ब्रिज को। बाकी गाइस आपको ये वाला ब्रिज 2.0 कैसा लगा, यानी कि नया ब्रिज जो कि ऐड होने वाला है वो कैसा लगा, इसके बारे में भाई सबको पता ही था लेकिन ऐड नहीं हुआ, उसका कुछ रीजन से पता नहीं क्या थे। बाकी गाइस आपको भाई ब्रिज कैसा लगता है ये वाला नया वाला। और गाइस एक और बात एडवांस में बता दूं कि भाई एक नया फीचर्स भी ऐड होने वाला है, जो कि भाई एक वाटर पानी के अंदर से आप लोग ट्रैवल कर सकते हो अगर ब्रिज वगैरह ना हो तो। फिर ऐसे एक मतलब कि आपको मैंने वीडियो में पहले किसी वीडियो में बता दिया था कि भाई ये वाला फीचर आने वाला है, या फिर नहीं बताया शायद, अब उसके बारे में लिटरली नहीं मारूँ। बाकी गाइस आपको उसके बाद में एक नया मोड मिल जाएगा जो कि भाई 8v8 का है, और ये तो कुछ किसी को भी नहीं पता कि भाई ये 8v8 मोड क्या होने वाला है, TDM होने वाला है या फिर कुछ दूसरा COD के अंदर कुछ ऐसा, या फिर उसके बारे में तो लिटरली किसी को नहीं मालूम। अब आने वाले वीडियोस में आपको मालूम चल जाएगा। अगर मालूम करना है तो फिर ऐसे आप लोग जाकर भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भाई ऐसे अमेजिंग से वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ही सकते हो। बाकी इस एनिवर्सरी 4 का थीम आप लोग देख सकते हो, जो कि एनिवर्सरी 4 हमारा ये नेक्स्ट वाले अपडेट में आ जाएगा, जो कि हमारा भाई मई के अपडेट में आता ही है, ठीक है। और गाइस ये वाला भाई इस बार आपको एनिवर्सरी का थीम मैं बता दूं, पहले एनिवर्सरी भाई इस बार आपको शायद हवा में देखने को मिल जाए, जैसे कि भाई हमारे गेम ऑफ पीस में दिखाया जाता है, वैसा ही कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन गाइस कुछ ऐसा हिंट दे दो, अब के मिरर वर्ल्ड मैप में कैसे भाई एक हवा में उड़ते रहते हैं मैप्स वगैरह, वैसे ही कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, उसके डिटेल वीडियो आएगी। बाकी चाहते हो कि नहीं चाहते बताना जरूर। बाकी गाइस आपको अगला भाई सैनोक 3.0, भाई आप लोग बोलोगे कि भाई सैनोक का तो भाई मेरे को बोला ही नहीं था, मतलब कि सैनोक भाई मतलब कि अभी तक 2.0 भी नहीं आया, आप लोग 3.0 बोल रहे हो, हाँ ये कुछ ऐसा ही समझ लो, 2.0 समझ लो भाई, मतलब कि सैनोक को पूरा रीमास्टर्ड करके दिखाया जाएगा 2022 में। अब देखते हैं कब तक आएगा, वो सारे मैं पहले ही बोल दूँ गाइस, ये सारी एक्सपेक्टेड है, कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी ये सैनोक आपको कैसा लग रहा है, इसमें बूट कैंप वगैरह को पूरा रीमास्टर्ड करके बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि भाई इसमें ग्रीन कलर का ग्लाइडर भी ऐड किया जाएगा। अब देखते हैं इसका स्किन आएगा या फिर कुछ दूसरे ग्रीन कलर का सैनोक में अलग से ग्लाइडर दिखाया गया, अब उसके बारे में नहीं मालूम। बाकी गाइस इस लूट ट्रक के बारे में तो आपको मालूम है भाई, टेस्ला वाले अपडेट में आया था, कुछ ऐसे ही आपको लूट जो कि है वो दिख जाएगा आपको, लिटरली नहीं मालूम क्या है इसको बोलते। बाकी गाइस आपको भाई ये सैनोक 3.0 कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइस फिलहाल तो आज की वीडियो में तो इतना ही था, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सुनिंग शो, बाय।